हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का थर्ड लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। कल के सेशन में आपने ऑलरेडी जो है फीमेल गेमिटोफाइट के बारे में पढ़ लिया है, मेल गेमिटोफाइट पढ़ चुके हैं, फीमेल गेमिटोफाइट पढ़ चुके हैं। अब क्या रहता है फ्लावरिंग प्लांट में, इट्स द पॉलिनेशन विच इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो मेल गेमिटोफाइट एंड फीमेल गेमिटोफाइट का फ्यूजन यानी कि सिनगैमी नहीं हो सकता है। ये ब्यूटिफुल पिक्चर के साथ इस स्लाइड को लेकर के आया हूँ ताकि आप पॉलिनेशन मैकेनिज्म को समझ जाएं बहुत अच्छे से। तो सेशन को आगे शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या है पॉलिनेशन में, कितने टाइप के कॉन्ट्रीवेंसेज हैं जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट लेकर के आए हैं पॉलिनेशन मैकेनिज्म में, तो इसको अच्छे से समझने की जरूरत है हमें। चलिए बच्चों, तो जिन बच्चों ने आज पहली बार मेरा सेशन ज्वाइन किया है उनके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। माय नेम इज प्रदीप सिंह, माय क्वालिफिकेशंस आर इन फ्रंट ऑफ यू। कितने बच्चों को पढ़ाया वो भी दिख रहा है। सब चीजें बेटा सेकेंडरी है, द प्राइमरी थिंग इज ओनली यू, सिर्फ आपकी वजह से बच्चों मैं यहां पर हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप हमारे साथ टेलीग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ऐप कुछ इस तरह से दिखता है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। टेलीग्राम ऐप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपने फोन पर। इसके बाद किसी भी ब्राउजर में से, फॉर एग्जांपल गूगल ब्राउजर में जाकर के यू कैन टाइप tinyurl.com/neetlivechat और जुड़ जाइए हमारे इस बेहतरीन ग्रुप के साथ। व्हाट इज द बेनिफिट, आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? आपको सारे क्लासेस के अपडेट्स आते रहेंगे इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। आप अपने कोई स्पेसिफिक डाउट अगर आपको आ रहा है किसी चीज को लेकर के तो भी आप वहां पर क्लैरिफाई कर सकते हैं, क्योंकि सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। नॉट ओनली दिस, एक और फीचर है जिस फीचर के थ्रू आप एट अ प्लेस सारी की सारी क्लासेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। इस तरह का फॉन्ट आपको दिखाई देगा, इंटरफेस दिखाई देगा। सचिन सर की क्लासेस दिख रही हैं, जैसे 11th दिख रहा है वैसे ही 12th बायोलॉजी, 12th 11th फिजिक्स केमिस्ट्री सारे के सारे दिखेंगे। एंड यू कैन स्ट्रेट अवे क्लिक ऑन दीज लिंक्स, यहां से डायरेक्ट आप लॉन्च कर सकते हैं क्लासेस को, जो कोर्सेज हैं वो यहां से चल जाएंगे। जस्ट आप क्लिक करेंगे एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू द नेक्स्ट स्क्रीन जहां पर आपको वो लेक्चर दिख जाएगा। लेक्चर वाइज डिस्कोर्स है ये। यहां से आप पीडीएफ डाउनलोड भी कर सकते हैं स्ट्रेट अवे एट योर कन्वीनियंस, आप पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो इससे जुड़ना बड़ा आसान है, जस्ट टाइप इन योर ब्राउजर tinyurl.com/neetmobile एंड यू गेट टू सी दिस वंडरफुल फीचर। अब बात कर लेते हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, जो कि एक बहुत ही उम्दा सब्सक्रिप्शन है, प्रोग्राम है। अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के साथ आपको एक्सेस मिलता है अनलिमिटेड क्लासेस का इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से। सारी की सारी क्लासेस जो हैं आप अटेंड कर सकते हैं, लाइव सेशंस ज्वाइन कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं उन सारे सेशंस के जो किसी कारण से आपने मिस कर दिया हो। इसके अलावा इसमें टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज भी हैं, डेडिकेटेड टेस्ट सीरीज एंड क्विजेज के साथ आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लस यू ऑल्सो हैव द डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसा कि बच्चों मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपको डाउट नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप ढंग से पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ डाउट्स तो आएंगे, लाजमी है। और उससे भी ज्यादा जरूरी है उन डाउट्स का क्लियर होना, क्योंकि अनसॉल्व्ड डाउट जो है और नए नए डाउट्स बनाता चला जाता है और सारी चीजें बिल्कुल क्लमजी हो जाती है। तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है आपने, डाउट क्लियरिंग सेशंस में आप अपने डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। क्लासेस हमारी कुछ इस तरह से दिखती हैं, आप देख रहे हैं इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स इन क्लासेस को लेते हैं। नॉट ओनली दैट, इसके अलावा 60-70 एक्स्ट्रा कोर्सेज आर ऑलरेडी रनिंग, तो आप उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। कैसे करेंगे इसको इंस्टॉल, बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है। यू जस्ट हैव टू गो टू द प्ले स्टोर और प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए बच्चों। इंस्टॉल करने के बाद यू विल गेट दिस स्क्रीन जहां पर आप प्लस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लस एंड देन यू सिलेक्ट नीट और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देंगे, आपके सामने एक इस तरह का सब्सक्रिप्शन वाला पेज आ जाएगा। यहां पर आप अपनी जरूरत के हिसाब से सब्सक्रिप्शन चूज कर सकते हैं। द लॉन्गर ड्यूरेशन इट इज, मोर कॉस्ट इफेक्टिव इट इज। और अगर आपको मेरे सेशंस पसंद आते हैं तो आप मेरा कोड प्रदीप लाइव भी यूज कर सकते हैं एंड यू गेट अ 10% डिस्काउंट। ये हमारे लिए एक सोशल करेंसी के समान होता है कि कितने बच्चे
आपके थ्रू जुड़ रहे हैं, आपके सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और अगर सेशंस पसंद आते हैं मेरे सेशंस, तो आप मेरा कोड प्रदीप लाइव यूज कर सकते हैं, यू गेट अ 10% डिस्काउंट। चलिए अब शुरू कर देते हैं आज के अपने सेशन को, जिसमें हम पॉलिनेशन जैसे बेहतरीन मैकेनिज्म को बहुत ही बारीकी से और डिटेल में समझने जा रहे हैं। तो पॉलिनेशन वैसे तो बड़ा ही सिंपल प्रोसेस है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलेंस, ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ और पिस्टिल ऑफ इज पॉलिनेशन। स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल यानी कि क्या होता है, पॉलन का ग्रेन्स का ट्रांसफर है। तो इस पिक्चर में देख लेते हैं पॉलन ग्रेन्स कौन से हैं। ये देखिए पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, कहां से रिलीज होते हैं, एंथर से रिलीज होते हैं। ये रहे पॉलन ग्रेन्स, तो एंथर से रिलीज होने के बाद पॉलन एजेंसीज होती हैं जिन जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करती हैं। उसमें से कई सारी एजेंसीज हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। एक मोस्ट कॉमन एजेंसी जो एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है वो है बीज, हनी बी, जिसके बारे में आप पढ़ते हैं, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स इन एंजियोस्पर्म्स। तो ये क्या करती हैं, जब फ्लावर को विजिट करते हैं तो इनके पैरों में पॉलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और इनके थ्रू पॉलन ग्रेन्स दे रीच ऑन टू द अदर फ्लावर, किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं, स्टिग्मा ऑफ अ पिस्टिल, पिस्टिल के स्टिग्मा में पहुंच जाते हैं। व्हाट इज दिस पिस्टिल, पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, यानी कि जिसको हम गायनोशियम भी बोलते हैं, राइट तो ये क्या करते हैं, पॉलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं जानबूझकर नहीं, ये फ्लावर को विजिट करते हैं नेक्टर के तलाश में, ताकि ये अपना शहद वगैरह बना सकें, और इनका फूड भी वही होता है। व्हाइल दे आर डूइंग सो, ये पैसिवली वो पॉलेंस को ट्रांसफर कर देते हैं, नॉट एक्टिवली, विलिंगली नहीं करते। तो पॉलिनेशन इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस जिसमें पॉलन के ट्रांसफर को दिखाया जाता है। किसी भी फ्लावर के अगर एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के या सेम फ्लावर के पिस्टिल के स्टिग्मा के ऊपर है ना, स्टिग्मा जो है उसके ऊपर अगर पॉलन पहुंच जाता है तो यही पॉलिनेशन है। यानी कि से फॉर एग्जांपल हियर देयर इज द एंथर, एंड से फॉर एग्जांपल हियर देयर इज द स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल, सो द पॉलन्स हैव टू ट्रांसफर फ्रॉम हियर टू हियर। बस ये सिंपल सा मैकेनिज्म है पॉलन्स का, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, किस जगह से, एंथर से निकल करके पिस्टिल की स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर हो जाना ही पॉलिनेशन है। अब देखते हैं इसके कितने टाइप्स हो सकते हैं, जैसा कि सुनने में लग रहा है इतना आसान भी नहीं है, कई टाइप्स हैं इसके, लेट अस हैव अ लुक। तो पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड द अदर इज क्रॉस पॉलिनेशन। जैसा कि नाम से जाहिर है सेल्फ पॉलिनेशन सेम फ्लावर में होता है, और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो डिफरेंट फ्लावर में होगा, करेक्ट। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन से हम एक चीज तो समझ गए कि सेम प्लांट में यानी कि जीनोटाइप जो है वही रहेगा पॉलन का और स्टिग्मा का, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही प्लांट में हो रहा है ये सारा का सारा खेल। तो सेल्फ पॉलिनेशन से एक चीज तो बिल्कुल भी नहीं होगी, वेरिएशंस नहीं आएंगे। सो सेल्फ पॉलिनेशन इज नॉट अ गुड टूल टू बी सिलेक्टेड बाई नेचर। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन में जरूर आएगा, क्या आएगा, वेरिएशंस, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन दो अलग अलग प्लांट्स के बीच में हो रहा है, तो दो अलग अलग जीनोटाइप के प्लांट्स के बीच में हो रहा है, तो इसमें वेरिएशंस के पूरे चांसेस होंगे। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द टाइप्स ऑफ दिस सेल्फ पॉलिनेशन। ऑटोगैमी हो सकता है या गिटनोगैमी, दो टाइप्स होते हैं सेल्फ में भी, ऑटोगैमी या गिटनोगैमी। ऑटोगैमी का मतलब है एक ही फ्लावर में वो ट्रांसफर हो गया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से पॉलन निकल के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, तो वो ऑटोगैमी कहलाएगा। गिटनोगैमी का मतलब हो गया सेम प्लांट में तो होगा लेकिन फ्लावर चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एक फ्लावर यहां है, यहां से पॉलन निकला, और एक फ्लावर यहां है, यहां से लेके यहां तक आ गया, सेम प्लांट में है, इसलिए सेल्फ पॉलिनेशन का ही टाइप है, बट फ्लावर चेंज हो गया। अब बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की। क्रॉस पॉलिनेशन इज नोन एज जीनोगैमी, जीनोगैमी, एंड क्रॉस पॉलिनेशन इज वन सच टूल विच इज कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग वेरिएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्रॉस पॉलिनेशन। अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इन डिस्कोर्सेस के बारे में। सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर
और अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, दोनों ही कंडीशन में हम सेल्फ पॉलिनेशन बोल सकते हैं। एक ही प्लांट है जिसमें ट्रांसफर हो रहा है पॉलन का एक एंथर से दूसरे स्टिग्मा में, हो सकता है कि वो सेम फ्लावर में हो सकता है वो प्लांट के दूसरे फ्लावर्स में हो, तो दोनों का दोनों जो है सेल्फ पॉलिनेशन में आता है। देखिए बच्चों यहां पर दो तरह के सेल्फ पॉलिनेशन को दिखाया गया है। यहां पर देखिए द फर्स्ट वन, इन द फर्स्ट वन यू सी सेल्फ पॉलिनेशन एज ऑटोगैमी। इस ऑटोगैमी में क्या हो रहा है, पॉलन्स जो है पॉलिनेटर की मदद से यहीं से निकला, एक मिनट, यहां से निकला और यहीं पर लैंड हो गया, यानी कि जिस फ्लावर से पॉलन प्रोड्यूस हुआ उसी फ्लावर में लैंड कर गया, सेम एक लूप बन रहा है, देख सकते हैं यहां पर उसी फ्लावर से निकला और उसी फ्लावर पर लैंड हो गया, सो दिस इज नोन एज ऑटोगेमी। वेर इज देर इज अनादर, यहां पर एक और है जहां पर एक फ्लावर से निकल करके, सेम प्लांट के एक फ्लावर से निकल करके ये देखिए पॉलन दूसरे फ्लावर तक पहुंच गया है, सो दिस स्पेशल टाइप ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन इज नोन एज गिटनोगेमी। सिर्फ टाइप्स में फर्क है, टाइप्स किस टाइप से हो रहा है उसमें फर्क है, इफेक्ट में कोई फर्क नहीं होगा, एक्शन करने के तरीके में डिफरेंस है लेकिन रिजल्ट और इफेक्ट तो सेम ही आना है क्योंकि सेम प्लांट में हो रहा है पॉलिनेशन, कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा। सेम प्लांट यानी कि सेम जीनोटाइप है, हर फ्लावर का जीनोटाइप सेम है, क्रोमोजोम नंबर सेम है और जितने भी जीन्स और एलील्स हैं सारे के सारे एक जैसे हैं। होप यू अंडरस्टूड द सेल्फ पॉलिनेशन मैकेनिज्म। अब सेल्फ पॉलिनेशन में देख लेते हैं ऑटोगैमी को। ऑटोगैमी का मतलब है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ऑटोगैमी सेम फ्लावर में होगा, सो ऑटोगैमी राइट, ट्रांसफर ऑफ पॉलन टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, किसका स्टिग्मा, पिस्टिल के स्टिग्मा में, सेम फ्लावर में, एक ही फ्लावर में हो रहा है तो इसको ऑटोगैमी बोलते हैं। लेट अस कम बैक टू दिस वन अगेन, ये देखिए सेम फ्लावर से पॉलन जो है सेम फ्लावर से इधर ही सेम फ्लावर में आ गया, सो दिस इज नोन एज ऑटोगैमी, कोई शक नहीं है इसमें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विच एंश्योर ऑटोगैमी आर, कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एंश्योर करते हैं कि ऑटोगैमी हो। इसको करने के भी कुछ कैरेक्टर्स प्लांट्स में पाए जाते हैं, यानी कि कुछ प्लांट चाहते हैं कि ऑटोगैमी ही हो, इसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं जो बेनिफिट्स या फायदे हैं उनको भी हम देखेंगे। बट अब कॉन्ट्रीवेंस को समझ लेते हैं कि कौन सा कैरेक्टरिस्टिक एंश्योर करता है कि ऑटोगैमी हो। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर, क्लिस्टोगैमी या क्लिस्टोगैमस फ्लावर, इस टर्म को बच्चे बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत चांसेस रहते हैं आने के। क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस एक स्पेशल टाइप का फ्लावर अरेंजमेंट है। इसमें क्या होता है, फ्लावर ओपन ही नहीं होता, यानी कि बड से फ्लावर जो है ओपन होता है, बड से जब फ्लावर बनता है उस प्रोसेस को एंथेसिस बोलते हैं, कली का चटकना एंथेसिस कहलाता है। अगर एंथेसिस ही ना हो, यानी कि फ्लावर डेवलप तो हो रहा है लेकिन उस बड के स्ट्रक्चर में जैसा रहता है वैसे का वैसा ही रहेगा फ्लावर, ऐसे करके ओपन नहीं होगा। सो दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स आर नोन एज क्लिस्टोगैमस फ्लावर। आपके माइंड में क्वेश्चन जरूर आ गया होगा कि अगर ओपन नहीं हो रहा है तो क्लिस्टोगैमस है, और अगर खूब बढ़िया से ओपन हो रहा है, अच्छे से खिल रहा है तो क्या बोलेंगे, तो उसके लिए टर्म है चैस्मोगैमस। चैस्मोगैमस मैं लिख देता हूं, CHAS, चैस्मोगैमस, याद रहेगा। चैस्मोगैमस फ्लावर कौन से होते हैं, जो बिल्कुल खिल जाते हैं, बिल्कुल ओपन हो जाते हैं। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर डू नॉट ओपन टू एंश्योर ऑटोगैमी। जब फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो पॉलन तो बाहर जाने का सवाल ही नहीं है, पॉलन प्रोड्यूस भी होगा तो उसी फ्लावर के अंदर ही स्टिग्मा पर लैंड करेगा और ऑटोगैमी एंश्योर हो जाएगी। ये किसमें पाया जाता है, कोमेलिना में पाया जाता है, ऑक्सैलिस में पाया जाता है, ये दो एग्जाम्पल याद रखिएगा। इनमें कॉमेलिना तो कुछ स्पेशल है, इसमें एक्चुअली दो टाइप के फ्लावर होते हैं, चैस्मोगैमस भी होते हैं और क्लिस्टोगैमस भी होते हैं, दो टाइप के, इसलिए ये करता है कि मान लीजिए बाय चांस चैस्मोगैमस फ्लावर में पॉलिनेटर नहीं आ पाया और पॉलिनेशन नहीं हुआ तो ये क्या करेगा, उस कंडीशन में ये क्लिस्टोगैमस फ्लावर से सीडिंग प्रोसेस का काम चलाता है, यानी कि रिप्रोडक्टिव सीजन में कुछ सीड तो आएंगी, सो इट एंश्योर्स दैट देयर वुड बी सम श्योर सीड्स देयर,
सम शॉर्ट सीड्स का प्रोडक्शन होगा, कोमेलिना में ये पाया जाता है, कोमेलिना बेंगालेंसिस। इसकी पिक्चर कई किताबों में दी हुई है, आप देख सकते हैं वहां पर जानबूझकर, मैंने उस पिक्चर को यहां पर इंक्लूड नहीं किया है। थोड़ा रिसर्च तो आपको भी करना चाहिए चीजों को ध्यान में रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गिटनोगैमी की। सो गिटनोगैमी कैसा प्रोसेस है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर, एंथर of one flower to the stigma of another flower of the same plant. अब जरा quickly आप लोग बताने की कोशिश करें कि कौन सा characteristic होगा जो ensure करता होगा कि gynogamy हो, कौन सा characteristic ये चीज ensure कर सकता है? बच्चों ये वही प्लांट इंश्योर कर सकता है जिसमें सेम प्लांट में मेल एंड फीमेल फ्लावर अलग अलग होते हों, मेल फ्लावर अलग होता है फीमेल फ्लावर अलग होता है, लेकिन लगते सेम प्लांट में हैं तो कंडीशन तो मोनोएशियस ही रहा। मेल एंड फीमेल फ्लावर अगर सेम प्लांट में है तो कंडीशन कैसा है? मोनोएशियस है। अगर अलग अलग प्लांट में है तो डायोएशियस कंडीशन है। लेकिन बाइसेक्सुअल कंडीशन जो होता है कंप्लीट फ्लावर का होता है जिसमें मेल फीमेल गैमीट और स्ट्रक्चर एक ही फ्लावर में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसको बाइसेक्सुअल या कंप्लीट फ्लावर बोला जाता है, आप जानते हैं। लेकिन क्या उस कंप्लीट फ्लावर या बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम मोनोएशियस नहीं बोल सकते? कंडीशन तो वो भी मोनोएशियस ही है, लेकिन मोनोएशियस टर्म ज्यादातर उस कंडीशन में दिया जाता है जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अलग अलग पार्ट में होते हैं, यानी कि एक मेल फ्लावर होगा एक फीमेल फ्लावर होगा एक ही प्लांट में। यह कंडीशन कहां पाया जाता है? कुकरबिट्स में पाया जाता है। कुकरबिट्स का नाम आपने सुना होगा, कद्दू कुकरबिट्स में आता है, हमारा क्यूकम्बर खीरा कुकरबिट्स में आता है, मेलन्स वगैरह ये सारे क्यूकरबिट्स में आते हैं, तो इसमें इस तरह के फ्लावर होते हैं। तो ये गिटनोगैमी को इंश्योर करता है क्योंकि ऑटोगैमी तो हो ही नहीं सकती, फ्लावर ही अलग अलग है, मेल और फीमेल फ्लावर अलग अलग है, बाइसेक्सुअल फ्लावर तो है नहीं। सो ऑकर्स इन प्लांट विच शो मोनोएशियस कंडीशन, समझ गए मोनोएशियस कंडीशन। अब देख लेते हैं इसमें एक बार फिर से गिटनोगैमी कहां पर दिया हुआ है, ये रहा गिटनोगैमी, सेम प्लांट में एक फ्लावर से निकलकर दूसरे फ्लावर में पहुंच गया है आपका पॉलन। चलिए आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन, इसके भी एडवांटेजेस हो सकते हैं। बच्चों नेचर में हर चीज का एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। डिसएडवांटेज तो हमने बता ही दिया कि वेरिएशन ही नहीं होगा जिसकी वजह से इतना सारा स्ट्रक्चर तामझाम बनाया प्लांट ने, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट भी बनाए वेरिएशन लाने के लिए बनाया ना, नहीं तो नॉर्मली वेजिटेटिव प्रोपागेशन कर लिया होता, क्या जरूरत थी कॉन्डन शूट बनाना फ्लावर बनाने की। लेकिन अगर नहीं भी करता है वेरिएशन ब्रिंगिंग प्रोसेस तो भी कुछ एडवांटेजेस हैं वो देखने बहुत जरूरी हैं। सो एडवांटेजेस आर चांसेस ऑफ पॉलिनेशन आर मोर, पॉलिनेशन तो ज्यादातर ज्यादा चांसेस हैं कि पॉलिनेशन तो हो ही जाएगा, बिल्कुल नजदीक है पॉलन और स्टिग्मा, तो मूव होना बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। इट मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस एंड अवॉइड मिक्सिंग, रेस की प्योरिटी मेंटेन होती है। अगर ऐसा नहीं होता तो मेंडल को बहुत दिक्कत होने वाली थी, वो एक्सपेरिमेंट कैसे करते। प्योरिटी ऑफ रेस मेंटेन होती है पी में, पी के जो फ्लावर हैं बिल्कुल पूरे ओपन नहीं होते हैं, सो वी कैन से दैट दे आर अ टाइप ऑफ क्लिस्टोगेमस फ्लावर, एग्जैक्टली चैस्मोगेमस, उनका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा ही बना रहता है। पी फ्लावर के बारे में हमने फ्लोरल फॉर्मूला फ्लोरल डायग्राम देखा हुआ है, तो आप बिल्कुल भी समझ गए होंगे किस तरह का फ्लावर है। और लास्ट पॉइंट इसमें जो है, मेंटेन्स प्योरिटी ऑफ रेस समझ गए, एंड अवॉइड मिक्सिंग, मिक्सिंग नहीं होती है तो प्योरिटी ऑफ रेस है जैसे 100 जनरेशन पहले था आज भी वैसे का वैसा ही रहेगा, प्योरिटी मेंटेन होती है। इसके बाद लास्ट है लेस डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाती है। इंसेक्ट आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं भी आ रहे हैं तो इतना तो हो ही सकता है कि खूब सारे पॉलन जब प्रोड्यूस होंगे और रिलीज होंगे तो वो सेम फ्लावर के स्टिग्मास पर तो लैंड कर ही जाएंगे, एयर तो रहेगी ही आसपास, राइट। सो लेस डिपेंडेंस ऑन पॉलिनेटर्स, ये भी एक बेनिफिट मिल जाता है सेल्फ पॉलिनेशन में। अब बात कर लेते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको जीनोगेमी या एलोगेमी भी बोलते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन, जीनोगेमी और एलोगेमी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट, ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लांट। और ये क्रॉस पॉलिनेशन कौन करा सकता है? आप इस वीडियो में बिल्कुल देख पा रहे हैं कि इंसेक्ट्स जो हैं विजिट करते हैं, एक ये देखिए एक फ्लावर पर है, अब इसके बाद उड़ के दूसरे पे पहुंच गया। सो दे आर विजिटिंग डिफरेंट फ्लावर्स एंड दे आर इंश्योरिंग दैट क्रॉस पॉलिनेशन इज हैपनिंग।
तो अब बात कर लेते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, वो कौन कौन से एजेंट्स हैं जो इस क्रॉस पॉलिनेशन को काम करेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन को अंजाम देंगे. सो लेट अस अंडरस्टैंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में एबायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं या बायोटिक एजेंट्स हो सकते हैं. देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स विच कुड बी हियर. सो यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस हैज नथिंग टू डू विद दिस पर्टिकुलर डिस्कशन. ठीक है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन एबायोटिक एजेंट्स और कौन से हैं, बायोटिक एजेंट्स. एबायोटिक एजेंट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, सिंपली बताइएगा. बायोटिक और एबायोटिक का एक बार मैं देख लेता हूं कौन कौन से बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं. बहुत बढ़िया नेहा, बहुत अच्छे ऋत्विक, ओके ग्रेट बच्चों, यस यस यस, बड़ी स्पीड में आप लोग चैट कर रहे हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है. अब देख लेते हैं एबायोटिक एजेंट्स. अब एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से हैं, विंड इज वन सच मोस्ट इंपॉर्टेंट एजेंट. अगर विंड पॉलिनेशन का काम कर रही है तो इसको बोलेंगे एनिमोफाइली. विंड अगर काम कर रही है पॉलिनेशन का तो इसको बोलेंगे एनिमोफाइली. और दूसरे कंडीशन में क्या दिया हुआ है, इट शुड बी, इफ इट इज हाइड्रोफाइली तो वहां पर क्या होना चाहिए, वॉटर. इफ वॉटर इज डूइंग द पॉलिनेशन देन इट इज हाइड्रोफाइली. ठीक है बच्चों, तो ये हो गया वाटर. तो विंड और वाटर यानी कि एयर और वाटर दोनों के दोनों एबायोटिक एजेंट्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, आपने पढ़ा हुआ है काफी पहले से, ये जानते हैं. अब बात करते हैं बायोटिक एजेंट से, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं जो पॉलिनेशन का काम कराते हैं. इंसेक्ट्स लाइक बीज, मॉथ, वास्प, बीटल्स, फ्लाइज, एंट्स एक्सेट्रा. सो दे इंश्योर That pollination is happening. और इनको किस ग्रुप में रखा जाता है, एंटोमोफाइली. एंटोमोफाइली, एंटोमोफाइली यानी कि इंसेक्ट पॉलिनेटेड, एंटोमोफाइली बोलते हैं इन जनरल. एक और टर्म है, अगर सारे के सारे बायोटिक एजेंट को हम एनिमल किंगडम का बात मेंबर मान लें और बात करें तो हम इसको जनरली zoophily भी नाम दे सकते हैं. वी कैन कॉल इट zoophily. सो zoophily इज द कॉमन नेम दैट वी कैन गिव. और अगर हम अलग अलग उसको सेग्रीगेट कर लें तो कई सारे नाम हैं. एंटोमोफाइली जनरली इंसेक्ट्स के लिए दिया जाता है, लेकिन इंसेक्ट्स में से अगर हम सिर्फ एंट्स की बात करें, चींटियों की बात करें, तो ये क्या कहलाता है, इसको मिरमेकोफाइली बोलते हैं. अगर सिर्फ चींटियों की बात करें सो इट इज नोन एज मिरमेकोफाइली. मिरमेकोफाइली, समझ में आ गई बात. मिरमेकोफाइली जो है एंट्स के लिए आ जाता है. बर्ड्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्निथोफाइली. ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी है, ऑर्निथोस मतलब बर्ड है. सो ऑर्निथोफाइली इज द स्टडी, द पॉलिनेशन डन by the biotic agent, the birds. Ornithophily. Ornitho means birds. Phyly means to love. Phyly and phoby. आपको पता है ये चीज. अगर bats करते हैं, चमगादड़ भी कर सकते हैं pollination. अगर bats करते हैं तो इसका नाम है chiropterophily. इसके अलावा snails कर सकते हैं, melecophyly बोलते हैं. Melecophyly. Melecophyly. समझ में आ गई बात. कई सारे जो हैं तरह के पॉलिनेशंस हैं जो बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होते हैं. अब एक एक करके थोड़ा सा हम इनके बारे में जानकारी ले लेते हैं कि क्या क्या स्पेशल कॉन्ट्रीवेंसेज हैं उन प्लांट्स में जो एबायोटिक टाइप का पॉलिनेशन करवाते हैं. एजेंट्स फॉर पॉलिनेशन उनके एबायोटिक हैं या बायोटिक हैं, तो इसके हिसाब से हमें आइडिया लग जाएगा. पहले बात करते हैं विंड पॉलिनेटेड या एनिमोफाइली की. विंड पॉलिनेटेड या एनिमोफाइली, तो इसमें क्या होता है, पॉलन्स कुछ ज्यादा ही प्रोड्यूस होते हैं क्योंकि विंड में नॉन डायरेक्शनल डिस्पर्सल होता है पॉलन्स का. पता नहीं है किस दिशा में जाना है. बाकी जहां पर बायोटिक आ गए वहां तो एटलीस्ट पता है एक इंसेक्ट एक फ्लावर को छोड़कर दूसरे फ्लावर में ही जाएगा, तो जिधर फ्लावर होंगे उधर ही जाने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि वो डायरेक्शनल है. लेकिन विंड पॉलिनेशन और एनिमोफाइली इज नॉन डायरेक्शनल. तो इसमें कुछ कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में हम समझ लेते हैं. नॉन डायरेक्शनल है, हर दिशा में जाएगा. तो इनका जो एंथर होता है बच्चों वो कैसा एंथर होगा, वर्सेटाइल एंथर. यानी कि एंथर जब ऐसे करके देखिए, अगर अटैच रहेगा फिलामेंट के साथ एंथर अटैच है, ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर, इसको आप समझ लीजिए कि एंथर है. ये हर दिशा में मूव करने लायक है. इट कैन रोटेट इन ऑल द डायरेक्शन, यानी कि ये वर्सेटाइल है, फ्री टू मूव है, या एक डायरेक्शन में ही फिक्स नहीं रहेगा,
इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शन. इस टिप के ऊपर जब वो रहेगा तो इट कैन मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. इसको बोलते हैं वर्सेटाइल एंथर एंड इट विल मूव इन ऑल द डायरेक्शंस. प्लस जो नंबर ऑफ पोलेंस प्रोड्यूस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. उसके पीछे सिंपल सा रीज़न ये है कि डायरेक्शन लेस प्रोसेस है. पोलन को जाना कहाँ है ये पता नहीं है. विंड के साथ जहाँ मर्जी विंड अगर इधर से जा रही तो इधर चला गया, उधर से आई तो इधर चला गया. एवरी डायरेक्शन में वो जा सकता है, बहुत ज़्यादा पोलेंस की ज़रूरत है. प्लस इसके अलावा और क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए. पोलन शुड बी लाइट वेट. लाइट वेट होना बहुत ज़रूरी है पोलन का. दे शुड बी नॉन स्टिकी, क्योंकि अगर नॉन स्टिकी नहीं है तो विंड के साथ किसी भी सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे. अगर विंड के साथ ये मूव कर रहे हैं कोई भी सरफेस आ गया उसी सरफेस में चिपक जाएंगे अगर स्टिकी होंगे. तो इनको नॉन स्टिकी होना बहुत ज़रूरी है. और कुछ विंग्ड भी होते हैं. सम पोलेंस आर विंग्ड. पाइनस के बारे में आपने पढ़ा है जो कि एक जिम्नोस्पर्म है, इसलिए हम यहाँ पर उसके एग्जाम्पल को नहीं ले रहे हैं, बट जानकारी रखने में कोई दिक्कत नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स. लेकिन विंग्ड पॉलन भी कहीं कहीं पाए जाते हैं. समटाइम्स इट कुड बी विंग्ड. तो थोड़ा लाइट रहता है और थोड़ा ब्रॉड हो जाता है तो विंड में कैरी होना आसान रहता है. विंग यानी कि पंख जैसा स्ट्रक्चर आ जाता है उनमें. तो ये तो हैं कैरेक्टर्स. और भी कुछ कैरेक्टर्स देख लेते हैं विंड पॉलिनेटेड यानी कि एनिमोफाइली में. एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड. एंथर्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज रहते हैं. उसके पीछे रीज़न है, एक्सपोज अगर नहीं होंगे तो विंड के साथ कैरी नहीं हो सकते. सो एंथर्स आर वेल एक्सपोज्ड फॉर द डिस्पर्सल ऑफ पॉलन ग्रेन्स. और एक चीज़ बता देता हूँ, एनिमोफाइलस प्लांट्स जो हैं जो पॉलिनेशन करते हैं विंड के थ्रू, उनमें जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं यानी कि पोलन को रिलीज करने वाले जो फ्लावर या इन्फ्लोरेसेंस होता है वो हमेशा टॉप पर रखा जाता है, क्योंकि जितना ऊपर रहेगा उतना दूर जाने के चांसेस हैं. फिजिक्स में आपने प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ा होगा कि एक जगह से शूट करके वो नीचे 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 होता चला जाएगा. सो प्लांट विल इंश्योर कि जितने ऊपर लेवल पर पोलन्स का रिलीज हो. तो अगर पोलन का रिलीज ऊपर हो रहा है तो पोलन को रिसीव करने वाले स्ट्रक्चर थोड़े नीचे होने चाहिए, क्योंकि अगर वो स्ट्रक्चर भी ऊपर रहे, एंड ये तो तय है कि जब उस जगह से एक प्लांट से पोलन निकलेगा विंड के साथ भी जाएगा तो एक जनरल प्रोबेबिलिटी रहेगी ग्रेविटी की वजह से कि नीचे ज़रूर आएगा, थोड़ा 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 करके नीचे आएगा. तो अगर नीचे कोई स्ट्रक्चर मिल जाए जो पोलन को रिसीव कर ले तो उसके बारे में भी बात करते हैं. स्टिग्मा देख लेते हैं जो पोलन को रिसीव करेंगे. स्टिग्मा इज ऑफन लार्ज एंड फेदरी. ये देखिए स्टिग्मास काफी लार्ज एंड फेदरी स्टिग्मा है. ये किस चीज का स्टिग्मा है? नेक्स्ट में आपके प्लांट बना हुआ है मेज, जिया मेज, जिसको कॉर्न भी बोलते हैं, भुट्टा भी बोलते हैं. तो भुट्टे में देखिए ये जो कॉब्स होते हैं, जो भुट्टा आप खाते हैं जिसमें दाने होते हैं, वो फीमेल फ्लावर का पार्ट है. और मेज कैसा कंडीशन है? इट इज़ अगेन मोनोएशियस कंडीशन, यानी कि फीमेल फ्लावर भी आते हैं सेम प्लांट पे, मेल फ्लावर भी आते हैं. मेल फ्लावर का जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो ऊपर होता है. ये देखिए यहाँ पर, दिस इज द इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द मेल फ्लावर. इन्फ्लोरेसेंस में आते हैं मेल फ्लावर. और अगर फीमेल फ्लावर की हम बात करते हैं तो वो कॉब जो होता है, जो भुट्टा जो बनता है जिसको हम खाते हैं, उस कॉब को हम बोल सकते हैं फीमेल फ्लावर है. और कॉब देखिए हमेशा नीचे की तरफ आते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं नीचे की तरफ कॉब जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं, बहुत ऊपर नहीं होंगे, ऊपर मेल फ्लावर्स होंगे, ताकि उनके पोलन जब एयर में रिलीज हो तो दूसरे प्लांट के कॉब में जाकर के स्टिग्मा में अटैच हो जाए. तो ये कॉब यानी कि फीमेल फ्लावर का पार्ट है. अगर फीमेल फ्लावर का पार्ट है तो ये तो बंद से रहते हैं, ग्रीन कलर का ऊपर से कवरिंग सी होती है. तो ये अगर बंद रहेंगे तो कैसे काम होगा, रिसीव कैसे करेंगे ये किसको, पोलन्स को. तो देखिए बच्चों, विंड पॉलिनेटेड में फ्लावर को बहुत ब्राइट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको किसी इंसेक्ट या किसी और एनिमल को अट्रैक्ट नहीं करना है. इसमें सिर्फ इतना कॉन्ट्रीवेंस होना चाहिए कि स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो. तो जो आप टासल्स बोलते हैं, भुट्टे को जब आप निकालते हैं, उसके कवर को निकालते हैं, छीलते हैं, तो आपको वाइट वाइट कलर के रेशे दिखते हैं. कभी कभी वो रेशे थोड़े से बैंगनी टाइप के भी हो जाते हैं. वो रेशे क्या हैं? वो रेशे स्टिग्मा एंड स्टाइल हैं. वो रेशे स्टिग्मा एंड स्टाइल है. तो ओवरी कहाँ है? ओवरी उसके अंदर है, जिस ओवरी में ओव्यूल होता है, और वो ओव्यूल ही तो सीड है जो आप खाते हैं इतने सारे दाने. तो जितने दाने होंगे उतने के उतने इसमें होने चाहिए स्टाइल एंड स्टिग्मा, जो कि ओवरी का पार्ट है. ओवरी स्टाइल एंड स्टिग्मा, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है जो दाना बन जाता है. तो इसके ऊपर की जो कवरिंग्स होती है उनको आप इंटेग्यूमेंट समझ सकते हैं, ओवरी की वॉल समझ सकते हैं. So, stigma are often large and feathery to easily trap the airborne
पॉलेंस ग्रेन्स एयरबॉर्न पॉलन को इनके टिप्स जो हैं पिक कर लेते हैं, इनके जो टिप्स हैं ये पिक कर लेते हैं, इनको टासल्स बोलते हैं, मेज के टासल्स। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा देख लेते हैं इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट्स के बारे में। इंसेक्ट पॉलिनेशन इज नोन एज एंटोमोफाइली, इंसेक्ट पॉलिनेशन को एंटोमोफाइली कहा जाता है। इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स कैसे दिखते हैं, काफ़ी ब्राइटली कलर्ड होते हैं, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड। प्लस इसके अलावा क्या होता है, स्वीटली सेंटेड, क्योंकि इंसेक्ट्स की सेंट ग्लैंड्स काफ़ी डेवलप्ड होती हैं, वो स्मेल कर सकते हैं, एंड ब्राइट कलर्स अट्रैक्ट देम। लेकिन बटरफ्लाइज के लिए एक कॉन्ट्रीवेंस है कि जो बटरफ्लाइज होती हैं एंड हनी बीज होती हैं, कुछ वेराइटीज़ नॉट ऑल बट हनी बीज सारी, इनको रेड कलर नहीं दिखाई देता, इसलिए बटरफ्लाइज और जो हमारी हनी बीज होती हैं वो रेड कलर फ्लावर को कम विजिट करती हैं, बिकॉज दे डू नॉट सी दैट कलर इन द लाइट। तो इनको कौन सा कलर ज्यादा दिखाई देता है, इनको व्हाइट कलर बहुत बढ़िया अच्छे से विजिबल है, क्योंकि ये अल्ट्रा वायलेट लाइट में देखती हैं, तो व्हाइट कलर के फ्लावर इनको वायलेट दिखते हैं या ब्लू दिखते हैं, जो कि दूर से इनको दिख जाता है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट ऑल इंसेक्ट, हनी बीज एंड सम बटरफ्लाइज, इनको रेड कलर नहीं दिखता, इस वजह से येल्लो कलर में विजिट करेंगी, क्योंकि येल्लो कलर भी जब आप यूवी लाइट में देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लूइश टाइप का दिखाई देगा, लेकिन रेड को अगर अल्ट्रावायलेट लाइट में देखेंगे तो वो ब्लैक दिखाई देगा, उनको समझ में नहीं आएगा कि ये फ्लावर है या कोई सड़ी हुई चीज है। तो इन जनरल बात करते हैं एंटोमोफाइली की, ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स होते हैं, हाईली फ्रेग्रेंट, खुशबू बहुत ज्यादा रहेगी उनमें, एंड दे प्रोड्यूस नेक्टर, क्योंकि नेक्टर की तलाश में ही तो आते हैं इंसेक्ट्स, उनको वो दावत मिल जाती है जिसकी वजह से बदले में वो पॉलिनेशन कर जाते हैं, जानबूझकर नहीं, बदले में कर जाते हैं बिना अनजाने अनजाने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत नजारा है यहां पर, आप देख सकते हैं दी हनी बीज वायलेट कलर के फ्लावर्स को विजिट कर रही हैं, वायलेट तो अल्ट्रा वायलेट में और बढ़िया वायलेट दिखेगा, चमकीला वायलेट है ना, खिला खिला नजर आएगा। सो पॉलेंस एंड स्टिग्मेटिक सर्फेसिस आर स्टिकी, यहाँ पर स्टिकीनेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर स्टिकीनेस नहीं होगा तो वो पिस्टिल पर स्टिग्मा के ऊपर चिपकेगा नहीं। सो पॉलन एंड द स्टिग्मैटिक सर्फेसिस आर स्टिकी, स्टिकी सर्फेस होने की वजह से पॉलन वहाँ पर चिपक जाता है। अब और देख लेते हैं इसके बारे में, कुछ और ऐसे प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट को सिर्फ नेक्टर नहीं, नेक्टर के अलावा भी रहने के लिए स्थान देते हैं, यानी कि उनको घर दे रहे हैं, तो घर दे रहे हैं यानी वहां पर पूरी सुरक्षा हो रही है उनकी। सो सम स्पीशीज प्रोवाइड सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग्स, अंडे देने के लिए सुरक्षित स्थान दे रहे हैं, क्योंकि इन फ्लावर्स में ज्यादातर जो इनके प्रीडेटर्स हैं वो नहीं पहुंचते जो इनके एग्स को डैमेज कर सकते हैं, इस वजह से इन कुछ इंसेक्ट्स ने इस तरह की जगहों को चूज किया हुआ है। जैसे कि दो प्रजाति के हमारे पास फ्लावर्स हैं, प्लांट हैं, एमॉर्फोफेलस एंड युक्का। एमॉर्फोफेलस का नाम आपने सुना होगा, एमॉर्फोफेलस को टाइटन एरम भी बोलते हैं, एमॉर्फोफेलस एंड युक्का। मैंने दोनों की फोटो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रखी है, कैन यू गेस विच वन इज एमॉर्फोफेलस? एमॉर्फोफेलस है ये वाला जो लास्ट में दिख रहा है, इसको टाइटन एरम भी बोलते हैं, और ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लोरेसेंस है, ध्यान रहे ना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इन्फ्लोरेसेंस है, यानी कि इससे बड़ा और कोई इन्फ्लोरेसेंस नहीं होता। लार्जेस्ट फ्लावर की अगर हम बात करते हैं तो वो रेफ्लेशिया है, रेफ्लेशिया आर्नोल्डी, आपने नाम सुन रखा होगा, काफ़ी बड़ा होता है, बदबूदार फ्लावर होता है, एंड रेफ्लेशिया आर्नोल्डी इज अ टोटल रूट पैरासाइट, पूरी की पूरी प्लांट बॉडी दूसरे प्लांट के रूट्स के ऊपर डिपेंड करती है, सिर्फ फ्लावर जमीन के बाहर निकलता है ताकि सीड प्रोड्यूस हो सके, पॉलिनेशन हो सके, और वो फिर अपने आप को अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सके। एमॉर्फोफेलस जो है, एमॉर्फोफेलस टाइटेनम टाइटन एरम, ये काफ़ी बड़ा स्पेडिक्स इसमें निकलता है, और इसकी स्मेल रॉटन मीट जैसी होती है, सड़े हुए मांस की तरह की स्मेल होती है। और एक प्लांट है युक्का, युक्का का प्लांट ये भी काफी बड़ा होता है और पॉइंटेड लीव्स निकलती हैं और खूब बड़ा इन्फ्लोरेसेंस है, आप देख सकते हैं यहां बीच में फ्लावर्स हैं, तो इनके फ्लावर्स के लॉक्यूल्स में वो अंडे दे देते हैं। मॉथ्स आर देयर, मॉथ्स डिपॉजिट द एग्स इन द लॉक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द लार्वा कम आउट एज द सीड स्टार्ट डेवलपिंग, जब तक इनमें सीड आता है तब तक इनका लार्वा बाहर आ जाता है और वो अपने लाइफ साइकिल को कंटिन्यू करते हैं। तो ये फायदे भी मिल जाते हैं कई बार इंसेक्ट्स को,
इस वजह से वो इनके पॉलिनेशन को अंजाम देते हैं। यहाँ इंसेक्ट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इकोलॉजी में हम पढ़ेंगे। हम यहाँ पर समझना चाहते हैं कि पॉलिनेशन का मैकेनिज्म क्या है। ये था इंसेक्ट पॉलिनेटेड। अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, जिसको हाइड्रोफाइली बोलते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर किस तरह के होते हैं एक बार समझ लेते हैं। जब वाटर पॉलिनेटेड वैरायटी की बात आती है बच्चों, तो मैं हमेशा पूछता हूँ कि लोटस में कैसा पॉलिनेशन होता है। कुछ बच्चे ज़रूर ये चीज़ सोचते हैं कि लोटस में पॉलिनेशन वाटर से होता है। बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि लोटस का फ्लावर वाटर के सरफेस के ऊपर है। इतना ब्राइटली कलर्ड होता है, कितना प्यारा रंग होता है लोटस का। लिलीज तो वाइट होते हैं ज़्यादातर, लोटस तो पिंक कलर का होता है ज़्यादातर। और भी कई तरह के लोटस पाए जाते हैं, एंड दे आर स्वीटली सेंटेड, काफ़ी बढ़िया खुशबू आती। तो वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड है बच्चों, बिल्कुल भी वाटर पॉलिनेटेड नहीं है। मैंने ऐसे ही किसी सेशन में एक बार पूछा, तो किसी बच्चे ने मुझे बताया कोकोनट इज़ वाटर पॉलिनेटेड, कोकोनट वाटर पॉलिनेटेड नहीं हो सकता। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा कोकोनट का प्लांट है, जब पॉलिनेशन का टाइम आता है तो वो ऐसे झुक के पानी में जो है अपने पॉलन रिलीज कर देता है, और दूसरा कोकोनट फिर पानी में झुक जाता है और वो भी पॉलन को कैच कर लेता है। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो कोकोनट पानी के किनारे ज़रूर होता है, लेकिन उसका पॉलिनेशन पानी से नहीं है। कोकोनट का पॉलिनेशन किससे है आप लोग कॉमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपके आंसर्स का जो है उत्तर बिल्कुल दूंगा, जो आप कमेंट करेंगे सही या गलत मैं बिल्कुल बताऊंगा। हाँ, कोकोनट में एक चीज़ ज़रूर होती है, सीड डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है, पॉलिनेशन नहीं होता। तो ये गलत फहमी मत रखिए, इसको लेके थोड़ी गलत फहमी रहती है बच्चों में। अब बात करते हैं वाटर पॉलिनेशन की, तो वाटर पॉलिनेशन कौन कर सकता है? वाटर पॉलिनेशन वही करते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं। जो प्लांट पानी के अंदर रहते हैं वो वाटर के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर स्मॉल एंड कलरलेस, इनको बहुत बड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनका किसी को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। इनको तो सिर्फ वो वर्क करना है जिसको पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फ्रेग्रेंसलेस एंड नेक्टरलेस, कोई खुशबू नहीं होती, पानी के अंदर कौन ले रहा है इनकी फ्रेग्रेंस। नेक्टरलेस क्योंकि इनको किसी भी तरह के बायोटिक कंपोनेंट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है, जिसको नेक्टर का लालच देके पॉलिनेशन कराया जा सके। सो इट इज नेक्टरलेस, ध्यान रखिएगा बच्चों। नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट, इनके जो फ्लोरल पार्ट होते हैं वो गीले नहीं होते, उनके ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहती है। पानी के अंदर भी रहते हैं लेकिन लथपथ नहीं होते, जैसे हमारे कपड़े गीले हो जाते हैं पानी में। कुछ इस तरह के फैब्रिक भी बन चुके हैं जो पानी डालो लेकिन पानी गिर जाता है, उनमें से अलग हो जाता है, चिपकता नहीं है। तो इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है। फैब्रिक तो हमने आज बनाना सीखा, प्लांट तो हजारों हजारों सालों से ये प्रैक्टिसेस को कर रहे हैं। समझ सकते हैं आप कितने एडवांस्ड हैं हमारे प्लांट। सो नॉन वेटेबल फ्लोरल पार्ट, यानी कि फ्लोरल पार्ट को आप गीला नहीं कर सकते, लेकिन एक्सेप्ट पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, पोलन ग्रेन को गीला किया जा सकता है। अगर पोलन ग्रेन गीले नहीं होंगे तो जर्मिनेशन नहीं होगा बच्चों। एंड स्टिग्मा, स्टिग्मा को भी गीला किया जा सकता है, क्योंकि जब तक स्टिग्मा गीला नहीं होगा तो वो पॉलन को मॉइस्चर नहीं प्रोवाइड करा पाएगा पानी के अंदर रहते हुए भी। तो अगर हम बात करें कि कौन से पार्ट वेटेबल हैं, तो बाकी सारे फ्लोरल पार्ट वेटेबल हैं एक्सेप्ट पॉलन ग्रेन एंड स्टिग्मा, ये दोनों गीले नहीं होंगे। स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी, स्टिग्मा जो है लंबे होते हैं और चिपचिपे होते हैं, लॉन्ग एंड स्टिकी स्टिग्माज होते हैं। उसके पीछे लॉजिक सिर्फ एक ही है, लॉन्ग एंड स्टिकी होंगे तो जो पॉलन पानी के थ्रू आ रहे हैं उन पॉलन्स को वो अपने साथ चिपका सकें, और लॉन्ग होंगे तो उन पॉलन्स को रिसीव कर पाएंगे ईजिली। समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं वाटर पॉलिनेशन हाइड्रोफाइली। एक स्पेशल एग्जाम्पल, एग्जाम्पल किसका है? जोस्टेरा, ए सबमर्ज्ड प्लांट, इसको एक्वाटिक ग्रास भी कहा जाता है जोस्टेरा को। इट इज अ सबमर्ज्ड प्लांट, पानी के अंदर होता है, ये देखिए मैराइन है, समंदर में पाया जाता है जोस्टेरा। इसको ईल ग्रास भी बोलते हैं। ईल ग्रास क्यों? क्योंकि ईल मछली कैसी होती है? लंबी सी होती है, इसकी पत्तियां देखिए ईल की तरह ही हैं। इसके पॉलन्स भी कुछ कुछ ऐसे ही होते हैं, रिबन लाइक पॉलन्स पाए जाते हैं जोस्टेरा। तो जोस्टेरा का नाम याद रख लीजिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट बियर्स कैसे पॉलन होते हैं? रिबन लाइक पॉलन्स होते हैं, इलांगेटेड पॉलन्स होते हैं। और दुनिया का सबसे बड़ा पॉलन भी इन्हीं का होता है जोस्टेरा। ए सबमर्ज्ड मैराइन एंजियोस्पर्म हैज द लॉन्गेस्ट पॉलन, इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? लंबाई सबसे ज्यादा होती है इस पॉलन की, इसकी लेंथ हो सकती है 2500 माइक्रोमीटर, इतनी लंबी लेंथ होती है। इतने बड़े पॉलन्स नहीं पाए जाते, रिबन लाइक होता है। अब एक और खासियत देख लेते हैं इस पॉलन की, द पॉलन फ्लोट्स बिलो द सर्फेस ऑफ वाटर, पानी में ऊपर कभी भी नहीं जाता। पॉलन का जब रिलीज होता है तो वो सरफेस के नीचे ही
स्विम करता रहता है, ऐसा कैसे पॉसिबल है? पॉलन अगर रिलीज हो रहा है तो उसकी प्रोपेंसिटी होगी बच्चों डायरेक्ट ऊपर जाने की, लेकिन इसका पॉलन उसी लेवल पर फ्लोट करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी के समान होती है। समंदर में पाया जाता है तो आप समझ सकते हैं वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होगी, फ्रेश वाटर का नहीं है तो वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी और इसके पॉलन की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होती है, जिसकी वजह से वो उसी सरफेस पे मूव करता है। मूव करते करते जैसे ही किसी स्टिग्मा के संपर्क में आता, रिबन लाइक है, टच होने के चांसेस ही हैं, जैसे ही टच होता है वो कॉइल कर जाता है, वो स्टाइल के अगेंस्ट, स्टिग्मा और स्टाइल के अगेंस्ट स्टाइल होता है ना लॉन्ग पार्ट, स्टिग्मा तो टिप हो जाता है तो स्टाइल में कॉइल कर जाता है और इंश्योर करता है कि पॉलिनेशन हो के रहेगा, फर्टिलाइजेशन हो के रहेगा। तो ये जोस्टेरा की स्पेशल कॉन्ट्रीवेंस है। अब एक और बात करते हैं वैलिसनेरिया की। वैलिसनेरिया में भी एक बड़ा ही अनोखा मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म को समझ लेते हैं। वैलिसनेरिया, वैलिसनेरिया क्या है? ए सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर एंजियोस्पर्म। ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है, ये उस मैराइन नहीं है, समंदर में नहीं पाया जाता। और इसमें दोनों सेपरेट प्लांट होते हैं, यानी कि डायोशियस कंडीशन है, मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। तो ये जो पहला वाला प्लांट आप देख रहे हैं ये मेल प्लांट है, इसमें देखिए मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहे हैं, इस पैडिक्स में ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस हो रहा है और फीमेल फ्लावर जो है इस फीमेल प्लांट में प्रोड्यूस हो रहा है। फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक होता है, फ्लावर के स्टॉक को क्या बोलते हैं? द पेडिसेल। वो पेडिसेल काफ़ी इलांगेटेड होता है, जिसकी वजह से फीमेल फ्लावर पानी की सतह के ऊपर पहुँच जाता है। ध्यान देना बच्चे, मेल फ्लावर पानी के अंदर ही रहता है, फीमेल फ्लावर पानी के ऊपर पहुँच जाता है। ये कि फीमेल फ्लावर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है और फीमेल फ्लावर जो है बोट शेपेड होता है, ये बोट शेपेड होता है और इसका जो स्टिग्मा होता है वो ट्राइफिट टाइप का स्टिग्मा होता है। ये फ्लावर को अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे दिखता है, इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं कुछ ऐसे करके रहते हैं, बोट शेपेड स्ट्रक्चर रहता है। इस स्ट्रक्चर के ऊपर जो है स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा नीचे के सरफेस पे होता है, ये स्टिग्मा नीचे के सरफेस पर होता है। फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसा होता है और ये स्टॉक के साथ अटैच रहता है, सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये समझ लीजिए वाटर सरफेस है। मेल फ्लावर जो है वो डिटैच हो जाते हैं, कहाँ से? इस पैडिक से, यानी कि इस इन्फ्लोरेसेंस में जहाँ मेल फ्लावर बन रहे हैं, जैसे ही वो मेच्योर होते हैं वो डिटैच हो जाते हैं उस पैडिक से और लाइट होने की वजह से देखिए ऊपर की तरफ आ गए, ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, ऊपर की सतह पर आ जाते हैं, ये भी फ्लोट करते हैं पानी में और इनके पास जो है ऐसा करके स्ट्रक्चर होता है। अब आप देख लीजिए इस टाइप का स्ट्रक्चर है तो इसमें एंथर और फिलामेंट आपको समझ में आ रहा है ना, ये हो गया एंथर, ये एरिया एंथर का है, ये लॉन्ग फिलामेंट है और ये मूव करते हैं वाटर करंट के थ्रू। जैसे ही मूव करते 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 फीमेल फ्लावर के संपर्क में ये आते हैं, ये पोर्शन जैसे ही फीमेल फ्लावर को टच करता है यहां कहीं भी बस्ट हो जाता है और पोलन रिलीज हो जाते हैं, वो बस्ट हो जाएगा और पोलन रिलीज हो जाएगा। यानी कि होता तो फ्लावर पानी के नीचे है मेल वाला, लेकिन आ जाता है ऊपर और ऊपर आने के बाद जैसे ही फीमेल फ्लावर के कांटेक्ट में आता है बस्ट हो जाता है, पोलन रिलीज हो जाते हैं, फीमेल फ्लावर को पोलन्स मिल जाते हैं उसके स्टिग्मा को और क्या होता है इसके बाद पोलन ट्यूब की ग्रोथ होती है और फर्टिलाइजेशन हो जाता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया क्या अब उस फ्लावर को पानी के ऊपर रहने की जरूरत है? तो जगह क्यों घेर के रखा है भाई जब पानी के ऊपर आपका फर्टिलाइजेशन हो चुका है? अब क्या होता है, डिफरेंशियल ग्रोथ होती है, उसके जो पेडिसेल है लॉन्ग स्टॉक है उसमें एक सरफेस पे ज्यादा सेल डिवीजन, एक सरफेस से लेस सेल डिवीजन, रिजल्ट क्या होगा, वो कॉइल हो जाती है। फिर से एक बार बताता हूं, जैसे टेंड्रिल के केस में सुना हुआ है आपने, प्लांट टेंड्रिल, टेंड्रिल क्या करता है ऐसे मूव करता रहता है, जैसे किसी सपोर्ट के टच में आता है इधर के जो सेल्स हैं वो स्लो डिवाइड करते हैं, इधर के सेल ज्यादा तेजी से डिवाइड करते हैं, इसके वजह से क्या होता है ऐसे बेंड हो जाता है। तो इसमें भी कॉइलिंग हो जाती है, फीमेल फ्लावर का जो स्टॉक है जिसको हम पेडिसेल बोलते हैं वो कॉइल हो जाता है फर्टिलाइजेशन होने के बाद। जब कॉइल हो गया, साइज इतनी है, बीच में कॉइलिंग आ गई तो वो नीचे आ जाएगा ना और वो पानी के नीचे आ जाता है, क्योंकि अब सीड बनने की बारी है, सीड को पानी के बाहर रखने की जरूरत नहीं है, सीड को तो पानी के अंदर ही रखना है क्योंकि प्लांट को ग्रो तो करना है पानी में ही। समझ में आ गई बात?
तो वेलिसनेरिया का ये मैकेनिज्म है. मेच्योर मेल फ्लावर गेट्स डिटैच्ड फ्रॉम द स्पैडिक्स एंड फ्लोट्स ऑन द सरफेस, सरफेस के ऊपर आ जाता है. द फीमेल फ्लावर हैज अ लॉन्ग स्टॉक जिसको हम पेडिसेल बोलते हैं. इट फ्लोट्स व्हाइल रिमेनिंग अटैच्ड टू द स्टेम, वो फ्लोट करता रहता है स्टेम के साथ अटैच रहते हुए. फीमेल फ्लावर हैव अ लार्ज स्टिकी एंड ट्राइफिड स्टिग्मा, इसका स्टिग्मा ट्राइफिड होता है, तीन पार्ट में बटा हुआ रहता है. एज सून एज द मेल फ्लावर कम्स क्लोजर, ये देख लीजिए बच्चों, ये मेल फ्लावर है, घूम रहा है, ये देखिए ये पोर्शंस हैं इसके एंथर्स, और ये फीमेल फ्लावर है, पानी में है, आउटर सरफेस के ऊपर, ये मूव करते करते जैसे ही वहां जाएगा वो बस्ट कर जाएगा, पोलन रिलीज हो जाएंगे. ओके, सो एज सून एज द मेल फ्लावर कम्स क्लोजर टू द फीमेल फ्लावर एंथर्स बस्ट एंड द पॉलिनेशन ऑकर ऑन द सर्फेस ऑफ वॉटर. फीमेल फ्लावर स्टॉक कॉइल्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड इज पुल्ड इन साइड द वॉटर. तो अगर ऐसा पूछा जाए कि ऐसा कोई हाइड्रोफाइली का एग्जाम्पल बताइए जो वॉटर के सर्फेस के ऊपर होता है, लोटस नहीं है इसका आंसर, इसका आंसर है वेलिसनेरिया. समझ गए आप क्वेश्चन, कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि हाइड्रोफाइली तो है लेकिन वाटर के सरफेस के ऊपर हो रहा है, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा लोटस या लिली होगा, वो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि वो इंसेक्ट पॉलिनेटेड हैं. ये वेलिसनेरिया है जो इस तरह का कारनामा कर दिखाता है. एक और एग्जांपल है सिरेटोफाइलम. सिरेटोफाइलम में क्या होता है, मेल फ्लावर रिलीज करते हैं, जैसे ही पॉलन बनते हैं मेल फ्लावर बस्ट करता है पानी के अंदर, सिरेटोफाइलम में पानी के अंदर बस्ट करता है, पॉलन लाइट होते हैं वो ऊपर सरफेस में पहुंच जाते हैं, जब ऊपर सरफेस में पहुंचे एयर के संपर्क में आए तो उनमें वाटर एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी बन जाती है, वो वाटर या मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं, हैवी हो जाते हैं और फिर नीचे डूबने लगते हैं. जब नीचे डूबने लगते हैं तो नीचे फीमेल फ्लावर ऐसे ओपन रहते हैं, उनके ऊपर वो लैंड कर जाते हैं. याद रखिएगा सिरेटोफाइलम, तो उसमें भी वाटर के थ्रू ही पॉलिनेशन होता है. ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिनको आपको याद रखने की ज़रूरत है. अब आगे बढ़ते हैं बर्ड पॉलिनेटेड ऑर्निथोफाइली की ओर. बर्ड पॉलिनेटेड सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स यही होते हैं, क्योंकि बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर बहुत ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ज़्यादातर हम कहें तो रेड कलर के काफ़ी ज़्यादा होते हैं, ऑरेंज कलर के भी हो सकते हैं, मरून कलर के भी हो सकते हैं, कई तरह के मैजेंटा कलर के हो सकते हैं, ब्राइट कलर्स होंगे लेकिन सेंट इनमें बहुत कम पाई जाती है. तो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर सेंटलेस. इसके पीछे रीजन है कि हमारी जो बर्ड्स होती हैं, बर्ड्स में सूंघने की क्षमता बिल्कुल डेवलप नहीं होती, ऑल्फैक्टरी लोब्स जो हैं बर्ड के उतने डेवलप्ड नहीं हैं. सो बर्ड पॉलिनेटेड फ्लावर्स में कैसा कंडीशन होता है देख लेते हैं. दे आर ब्राइटली कलर्ड, काफी चटक रंगों के होते हैं, विदाउट फ्रेग्रेंस, कोई खुशबू नहीं होती, प्रोड्यूस नेक्टर और नेक्टर काफ़ी ज़्यादा होता है. अगर ऐसे फ्लावर जो बड़े बड़े होते हैं उनमें झांक कर देखेंगे आपको ड्रॉपलेट दिखेंगे, चाशनी के ड्रॉपलेट, सुक्रोज होता है उनमें, शुगर जैसा मीठा सब्सटेंस होता है. फनल शेपेड कोरोला, इनका जो कोरोला होता है वो एक फनल जैसा बन जाता है, यानी कि फनल समझते हैं ना जिसके थ्रू हम ऑयल को डालते हैं एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में, ऐसे करके फनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, है ना. अपने माइक वगैरह भी देखे होंगे, ऐसे फनल माइक टाइप ऑफ फ्लावर्स होते हैं. क्यों होते हैं ऐसा, ताकि बर्ड की चोंच आसानी से घुस सके उसके अंदर. अब देख लेते हैं थोड़े से और एग्जाम्पल. बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स सीबा जिसको रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, काफ़ी बड़े बड़े लेदरी फ्लावर्स होते हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे लॉन्स में पार्क्स में गिरे हुए फ्लावर. ये देखिए ये वाला काफ़ी बड़ा ट्री होता है और जब फ्लावरिंग पर होता है तो पत्तियां बहुत कम दिखती, लाल लाल ही दिखता है पूरा ट्री के ऊपर, कांटे कांटे नुमा उभार होता है, वो प्रॉपर थॉर्न नहीं है लेकिन थॉर्न लाइक एलिवेशंस हैं उसकी स्टेम के ऊपर, ये उसकी स्टेम को पहचानने का सबसे आसान तरीका है. बॉम्बेक्स, इसको रेड सिल्क कॉटन भी बोलते हैं, सेमल बोलते हैं, सेमल का पेड़ भी बोला जाता है. इसके बाद आ गया एरिथ्रीना, एरिथ्रीना इज कॉल्ड द कोरल ट्री. ये देख लीजिए सेकंड वाला एरिथ्रीना, फर्स्ट वाला बॉम्बेक्स फ्लावर है, सेकंड वाला एरिथ्रीना है. एरिथ्रीना का फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, जाइगोमॉर्फिक है, आपको पता हो गया होगा. अब आप ये मत कहिएगा कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका रीजन है जो मैंने फ्लोरल डायग्राम फ्लोरल फॉर्मूला लिया है उसमें हमने डिस्कस किया है, बायलैटरल सिमेट्री जाइगोमॉर्फिक या रेडियल सिमेट्री एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर के बारे में. इसके बाद आ गया कैलिस्टेमोन जिसको हम बॉटल ब्रश भी बोलते हैं. ये देखिए बॉटल ब्रश, पानी की बोतलों को साफ करने के लिए ऐसी ब्रश आती हैं, फ्लावर वैसा है. तो ये बर्ड पॉलिनेटेड है, बड़े बड़े फ्लावर हैं बाहर की तरफ एक्सपोज होते हैं, कैलिस्टेमोन या बॉटल ब्रश कहलाता है. फिर आ गया बिग्नोनिया, बिग्नोनिया का फ्लावर देखिए कैसा दिखता है, ये रहा बिग्नोनिया. और आखिरी में अगेव,
अगेव के फ्लावर काफ़ी ऊपर होते हैं, बड़े बड़े फ्लावर होते हैं, और ये देखिए अगेव का पेड़, इसमें बल्बिल्स भी होते हैं, आपने पढ़ा हुआ है बल्बिल्स इन अगेव रिप्रोडक्शन चैप्टर में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में, ये वही अगेव प्लांट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बर्ड पॉलिनेशन समझ गए, अब बात करते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की। इसके अलावा बैट पॉलिनेटेड भी है, बैट पॉलिनेटेड के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं, चमगादड़ रात के टाइम पॉलिनेशन करेंगे क्योंकि वो रात को निकलते हैं, तो इनके जो फ्लावर हैं बेटा प्लांट से बाहर निकले रहते हैं, लंबे लंबे स्टॉक होते हैं और बाहर की तरफ निकले रहते हैं। एंथोसिफेलस कदम्बा, आपने नाम सुना होगा, कदम कदम के फ्लावर में स्मेल होती है, वो बैट पॉलिनेटेड है क्योंकि बैट को स्मेल आ जाती है, वो मैमल है, स्मेल किसको नहीं आती, बर्ड्स को नहीं आती। एक और है मिडनाइट टेरर ट्री, जिसको हिंदी में भूत वृक्ष कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, शोनाक भी बोलते हैं हिंदी में, ओरोजाइलम इंडिकम इसका वैज्ञानिक नाम है, ओरोजाइलम इंडिकम, इसको भूत वृक्ष भी कहा जाता है, इसमें भी बड़े बड़े जो हैं फल लग जाते हैं, जो फ्रूट होते हैं, फ्लावर भी बाहर की तरफ होते हैं, और रात के टाइम अगर आप देखोगे तो आपको लगेगा पेड़ के ऊपर कोई चादर ओढ़े खड़ा है, अंधेरे में उतना क्लियर समझ में नहीं आता, इतने बड़े बड़े फ्रूट्स होते हैं इसके, ओरोजाइलम इंडिकम, वो भी बैट पॉलिनेटेड है। अब बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की, जो मेंडल जी ने इंट्रोड्यूस किया था, मेंडल को तो आप अच्छे से पहचानते हैं, हेल्प इन द प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम, प्लांट इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में काम आता है आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। ए ब्रीडर इज ऑफन इंटरेस्टेड इन क्रॉसिंग डिफरेंट स्पीशीज ऑफ अ प्लांट, ब्रीडर तो यही करते हैं ना, अलग अलग को कॉम्बिनेशन करते हैं, तो इसको आर्टिफिशियल पॉलिनेशन बोला जाता है। ब्रीडर वॉन्ट टू क्रॉस ए पर्टिकुलर प्लांट विद ए डिजायरेबल पॉलन ग्रेन, है ना, सो अ बाइसेक्सुअल फ्लावर इज आर्टिफिशियली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ फीमेल फ्लावर by method like bisexual flower को female flower में बदल दिया जाता है ताकि self pollination ना हो। किस processes से करते हैं ये तो देखिए, pollen की shedding हो रही है, brush के through pollen को collect करके दूसरी जगह डाला जाएगा। Let us understand male flower bisexual flower को female flower कैसे बात करते हैं। Artificial pollination में emasculation बहुत important है, male part को कैंची से काट दिया, ये देखिए male part को कैंची से काट दिया, female flower हो गया, male part नहीं है, खुद सेल्फ पॉलिनेशन नहीं करेगा, पॉलन को लाना पड़ेगा, सो इमैस्कुलेशन हो जाता है, इमैस्कुलेटेड फ्लावर को फिर बैग कर दिया जाता है, ऊपर से एक बैग लगा दिया जाता है ताकि कोई दूसरा पॉलन उसको आके पॉलिनेट ना कर जाए, दिस इज नोन एज बैगिंग टेक्निक। तो समझ में आ गया होगा आपको, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, अगले सेशन में हम इसी चैप्टर के बाकी कॉम्पोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों विदा लेने का वक्त आ गया है, तो अब आपको अपनी क्लासेस दिखा दी जाएं, क्लास 11th के लिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, बायोलॉजी के लिए टाइमिंग है 7 PM से, फिजिक्स के लिए 8 PM, केमिस्ट्री के लिए 9 PM, और क्लास 12th के लिए फ्राइडे सैटरडे एंड संडे, टाइमिंग्स फॉर बायोलॉजी 7 PM, फिजिक्स 8 PM, केमिस्ट्री 9 PM। एंड अगर आपको मेरी सेशंस पसंद आते हैं और आप अनअकैडमी कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, तो आप कोड यूज कर सकते हैं प्रदीप लाइव, और एज यूजुअल आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये तभी एप्लीकेबल है जब आपको वाकई में मेरी क्लासेस पसंद आती हैं, तभी लीजिएगा ये कोड। ओके, सो अनअकैडमी जेई, अनअकैडमी फाउंडेशन, अनअकैडमी नीट, ऑल टुगेदर लेट अस क्रैक इट। एंड जिन बच्चों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये कॉम्बिनेशन में आता है बच्चों, जब भी सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर कर दीजिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर #NEET Live Daily के थ्रू सेशंस को, इन्फॉर्मेशंस को, जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं अनअकैडमी के बारे में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।